हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा कुकिंग एंड लाइफ स्टाइल में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज कई दिनों के बाद आज मैं अपना एक कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी ब्लॉग या कोई वीडियो मेरा नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज संडे है, आज मैं अपना एक वीडियो आज बना लेती हूँ। तो मैं आज संडे स्पेशल थोड़ा सा नाश्ता बना रही हूँ कटलेट ब्रेड के। इसमें मैंने स्टफिंग में आलू और प्याज को काट महीन महीन सा प्याज काटा है और बॉयल आलू मैश करके, और उसमें हरी मिर्च और नमक और गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिलाया है। तो उसी को मैं अंदर इसके स्टफिंग में भर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कटलेट, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। लेकिन आज हस्बैंड ने बोला कि आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता बना लो, तो मैंने सोचा चलो आज कटलेट बना लेते हैं, क्योंकि रोज़ तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में कुछ भी बना लेते हैं। आज थोड़ा संडे है तो आराम से, जल्दी नहीं रहती है तो आराम से बना लेते हैं आज। तो आज मैंने इसीलिए कटलेट का सोचा। और एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है, तो बस मैं ये फटाफट से बना रही हूँ कटलेट, और उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि आज मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना है, तो वो मुझे बताना था। तो बस अभी नाश्ता करके फिर आप लोगों से बात करूँगी मैं। और ये मेरे कटलेट बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं कटलेट, क्रिस्पी से हो जाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कटलेट या जो ब्रेड पकौड़ा बनता है वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। लेकिन कभी कभी तो चलता है, क्योंकि रोज़ तो नहीं बना पाते हैं ये सब चीज़ें, तो कभी कभी तो चल जाता है। काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ कटलेट। और टाइम भी नहीं लगता है इसमें ज़्यादा। तो ये देखिए कटलेट हमारे बन रहे हैं, और इनको मैं बना के दे चुकी हूँ, लेकिन ये अभी खाना नहीं स्टार्ट किया। इन्होंने बोला तुम भी अपना ले आओ, तो फिर साथ में ही खाते हैं हम लोग। तो बस मैं अभी अपने कटलेट बना रही हूँ, और चाय मेरी बन गई थी लेकिन ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको थोड़ी सी गर्म कर ले तो फिर से। तो वही चाय एक तरफ गर्म कर रहे हैं और एक तरफ मेरे कटलेट बन रहे हैं। और पापा जी का भी नहीं बनाया, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं, तो उनका जब वो पूजा करके उठेंगे तब उनके लिए गर्म गर्म बना देंगे। बाकी मैंने उसको उसमें आलू रोल करके रख दिया है, बस सिर्फ सेकना है। तो ये हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये अब मेरे कटलेट भी बन चुके हैं और मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। तो बस ये हमारा नाश्ता भी रेडी है, और चलिए चलते हैं नाश्ता। ये लीजिए आप लोग को के लिए भी नाश्ता, आप लोग भी कर लीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसकी वजह से कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। तो बस आज संडे है तो संडे स्पेशल नाश्ता आज बनाया मैंने कटलेट। तो बस हस्बैंड को दे चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ खाने, और पापा जी भी पूजा कर रहे हैं तो इसलिए अभी उनका रख दिया है। वो जब पूजा कर लेंगे तब उनके लिए गरम गरम बनाएंगे। तो फटाफट से मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक मतलब मेरे यूट्यूब चैनल से ही रिलेटेड है कुछ, मेरे लिए गुड न्यूज़ है बहुत अच्छी सी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपके साथ वो अपनी न्यूज़ भी शेयर करती हूँ कि बहुत बड़ी मुझे एक खुशी मिली है, तो वो मुझे आपके साथ शेयर करनी, क्योंकि वो खुशी आप लोगों की वजह से ही मिली है। तो इसलिए बस मैं नाश्ता करके अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता सब हो चुका है, उसके बाद मैं जो आप लोगों को एक बताने जा रही थी, अपनी एक खुशी जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके बारे में मैं बताने जा रही थी, तो वो है ये मेरी खुशी, ये मेरा पिन आ चुका है, ये देखिए। और ये मेरा पिन आया है 25 तारीख को, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसकी वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि ये खुशी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से मिली है, जो आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया और मेरे वीडियोस को पसंद किए, उसकी वजह से ही मुझे आज ये खुशी मिली है। तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ये जो खुशी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो बस मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही थी। और इधर थोड़ा सा मेरे वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी उसकी वजह से। अब रेगुलर वीडियो भी मेरे आएंगे, ब्लॉग और भी एक महावर का वीडियो, उस पर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आप और डिज़ाइन दिखाइए, तो जल्दी मैं उसको भी शूट करूँगी बहुत जल्दी। तो बस आप लोगों के साथ यही मुझे शेयर करना था, और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ।
तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से मुझे ये खुशी मिली। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाय। और अगर आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।